आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना महामारी के चलते यूपी में लंबे समय से बंद पड़े कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोले जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। कोरोना महामारी के चलते यूपी में लंबे समय के बाद बंद पड़े कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोले जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। कब तक चालू होंगी उनकी क्लास? कोशिश ये की जाए कि इस हफ्ते में ये सब फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए, टाइम टेबल वगैरह बना करने की, सैनिटाइजेशन वगैरह की, और मंडे से बच्चों को कह दिया जाए। अब वो जैसे शासन ने कहा है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो आधा आधा बुलाना है, तो वो उस तरह से करेंगे। और बच्चे मान लो एकदम नहीं आना चाहेंगे, उन पर निर्भर करेगा, तो फिर अपने ऑनलाइन का भी व्यवस्था, जैसे आजकल जूम है, गूगल मीट है, अब ग्रुप वगैरह बना के है, उस तरह से कुछ काम तो शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक में मंडे से ही। मतलब बच्चों को मतलब दोनों तरीके से दोनों तरह से चलेंगे, हाइब्रिड तरीका अपनाना पड़ेगा। और जैसे एमएससी फाइनल है हमारे यहाँ, एमए फाइनल है, कम बच्चे होते हैं, संख्या में कम होते हैं, वहाँ तो कोशिश करेंगे कि वो आए यहाँ, तो ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। फिर भी कुछ न कुछ इस साल ऑनलाइन वाला या ई लर्निंग का भी कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा। अब योगी सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 23 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार ने 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। और पूरे देश में UGC द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 23 नवंबर से विविध कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलकर पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू कराने की निर्देश जारी किए गए हैं। उसी क्रम में आगरा विश्वविद्यालय ने भी आदेश निर्गत कर दिया है कि 23 तारीख से कॉलेजेस खोले जाएंगे, यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, क्लासेस चलेंगी। मेरा इस आलोक में विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से ये मेरा अपील है कि वो बहुत सावधानी से दूरी बनाते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, और जब भी मौका मिले परिसर में अपने हाथ साफ करते रहें, और दोस्तों के साथ जो भी वार्तालाप करें, गपशप करें, जो भी करें, लेकिन वो डिस्टेंस बनाए रखें। लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए इसके लिए शर्त भी रखी गई है, जिसके मुताबिक शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की उपस्थिति किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होगी, यानी सिर्फ आधे छात्र ही अपने अपने कैंपस जाकर क्लास में शामिल हो सकेंगे, वहीं बाकी छात्र पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करते रहेंगे। लक्ष्मीराज, सी न्यूज़, आगरा।